इंडस्ट्री की सरकार से सोया खली के आयात की अवधि बढ़ाने की मांग कहीं ना कहीं खारिज होती दिखाई दी है, जिसके चलते सोयाबीन में निचले स्तरों से खरीदारी निकली है, जिसकी वजह से हमने वायदा में सोयाबीन की कीमतों में अच्छा उछाल भी आते देखा है। इससे पहले सोयाबीन में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली बनती नजर आई थी, जिससे कीमतें नीचे में 6000 के दायरे में भी गई थी। लगभग 900 पॉइंट की गिरावट हमने सोयाबीन में बनते देखी थी। वायदा में सोयाबीन में ये करेक्शन जरूरी भी थी। दूसरा सप्ताह के अंत से फिर से बारिश होते देखी है, जिससे सोयाबीन किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है कि कहीं उनकी फसल दागी ना हो जाए या फिर बारिश के पानी की नमी से खराब ना हो जाए। इसका असर भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी के तौर पर देखा गया है। नवंबर के अंत तक और दिसंबर के आगमन पर व्यापारियों को मंडियों में सोयाबीन की आवकों में इजाफा होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दिया, बल्कि उल्टा सोयाबीन किसानों द्वारा सोयाबीन स्टॉक करने के चलते कीमतों में इजाफा हुआ है। जानकारों के अनुसार सोयाबीन की कीमतों में यहां से अभी और तेजी बनती नजर आ सकती है। वायदा में अगर कोई भी गिरावट आती है तो सोयाबीन में निचले स्तर पर खरीदारी की जा सकती है। जानकारों के अनुसार वायदा में सोयाबीन में 7100 से लेकर 7200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं हाजिर में किसानों को जानकार हालात देखकर और कोई भी जल्दबाजी ना करके चलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।